वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सिटी। आज हम सीखेंगे चॉकलेट की एक बहुत ही नई और अच्छी रेसिपी बनाना। देखिए, हम चॉकलेट मूस बना रहे हैं। ये कितना सुंदर, शाइनी और स्मूथ बना है। इसमें बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, पर इस वीडियो में हम आपको बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 200 ग्राम चॉकलेट लेंगे। मैंने डार्क चॉकलेट का बनाया है। आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट का भी बना सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा अच्छा चॉकलेट मूस डार्क चॉकलेट का ही बनता है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसका रिच क्रीमी टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले 200 ग्राम चॉकलेट को फाइनली चॉप कर लेंगे। इसे ग्रेट नहीं करना चाहिए, इसे टेक्सचर चेंज हो जाता है, इसीलिए चॉपिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। इसे अपने हाथों की मदद से ही काटें। तोड़कर डालना भी सही ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसे काट कर ही डालें। हमें बिल्कुल बारीक पीसेस भी नहीं करने हैं और ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं। सारे चॉकलेट के पीसेस कट होकर तैयार हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब एक बोल लें और इसमें सारे पीसेस को डाल दें। फ्रीज होने के बाद ये और ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, और जब हम इसे आगे पकाएंगे तब ये बहुत अच्छा टेक्सचर देंगे। अब एक हैवी बेस का बर्तन लें और इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डालें। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है, ये परफेक्ट है गनाश बनाने के लिए। आप इसे गनाश या मूज दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्रीम स्प्लिट हो जाएगी। 200 ग्राम्स क्रीम लेंगे। 1.5-2 मिनट बाद इसमें बबल्स आ जाएंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और चॉकलेट के ऊपर हॉट क्रीम डालेंगे। देखिए, देखने में कितना अच्छा और डिलीशियस लग रहा है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब तक चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाए, तब तक हम इसे हाथों की मदद से ही मिक्स करेंगे। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। बिल्कुल बाजार जैसा मूस बनकर तैयार होगा। बस आप पूरी रेसिपी को अच्छी तरह फॉलो करें और सभी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी तरह ध्यान रखें। जितनी हम चॉकलेट लेंगे, उतना ही इक्वल रेशियो हमें क्रीम भी लेना है। 200 ग्राम्स लिया है चॉकलेट, इसीलिए क्रीम भी 200 ग्राम्स लेंगे और इसे अच्छी तरह हाथों की मदद से मिलाते जाएंगे, जब तक क्रीम और चॉकलेट अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए और चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट ना हो। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब ये हल्का रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इसके बाद हम हैंड व्हिस्क या हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह चलाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे बनने में। इसे नॉर्मल स्पीड पर ही मिक्स करें, जिससे इसमें एयर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये फ्लफी और शाइनी बनकर तैयार हो। जब तक इसमें एयर मिक्स हो रही है, तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियोस एवरी मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को आते हैं। अब ये अच्छी तरह बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसमें हल्के हल्के सॉफ्ट पीक्स आ रहे हैं। बस ये ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का है। देखिए, केक बैटर जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये बनकर तैयार है। अब इसे
10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये ठंडा हो जाए। इसके बाद हम एक ग्लास लेंगे और इसमें एक पाइपिंग बैग लगाएंगे और गनाश को पाइपिंग बैग में डाल देंगे। हम एक कप या एक सर्विंग बोल लेंगे और इसके अंदर गनाश डालेंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्पून से भी गनाश इसमें डाल सकते हैं, पर यदि आप पाइपिंग बैग से करेंगे तो प्रोफेशनल लुक आएगा और ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जब सर्विंग बोल ऊपर तक फिल हो जाए, इसके बाद इसके ऊपर कोको पाउडर से डस्टिंग करें और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे टेस्ट भी एनहांस होगा। देखिए ये कितना टेस्टी और यमी लग रहा है देखने में, बिल्कुल एरी शाइनी मूस बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिएटिव सिटी। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।